Welcome. Ratio and proportion, अनुपात और समानुपात, इस वीडियो एपिसोड में आप सबों का स्वागत है। इस चैप्टर में मैंने SSC CGL, CHSL, MTS और CPO, इन डिफरेंट एग्जाम्स में आए हुए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को कलेक्ट किया है और लगातार अभी कई वीडियोस आएंगे जिनमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा, उसमें से ये पहली कड़ी है। आइए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि द रेशियो बिटवीन ए टू डिजिट नंबर एंड द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ दैट नंबर इज 4:1। मतलब एक दो अंकों वाली संख्या वो और उस नंबर संख्या के जो डिजिट्स हैं, अंक हैं, उनका सम जोड़, दोनों के बीच का रेशियो 4:1 है। फिर क्वेश्चन है, इफ द डिजिट्स एट द यूनिट्स प्लेस इज 3 मोर देन द डिजिट एट द टेंस प्लेस, इकाई स्थान पर जो संख्या है वो 3 ज्यादा है दहाई स्थान की संख्या के, तो बताइए कि वो नंबर क्या है। कई क्वेश्चंस आएंगे जिसमें हम लोग ऑप्शन मेथड का भी इस्तेमाल करेंगे, फिर भी ऑप्शन मेथड एक मेथड है, इस्तेमाल करेंगे, लेकिन पहले तो इसे सॉल्व करने का तरीका जानना चाहिए। डिजिट्स अंक मालूम हो, जैसे 23, तो हम 2×10+3 यानी 10x+y लिख सकते हैं, वहां x एंड y डिजिट्स हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट कि हम मान लेते हैं कि 10x+y ये हमारा नंबर है, ये हमारा नंबर है, जहां ये यूनिट प्लस हुआ ये 10 प्लस हुआ, एक्स और वाई का वैल्यू मालूम होगा तो नंबर मालूम हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है कि ये जो नंबर है, बोले ठीक है 10x+y ओके, और इसके अंकों का जो जोड़ है, बोले ओके, इनके बीच में 4:1 का रेशियो है। अब इसको सॉल्व करने में रेशियो तो नेगेटिव होगा नहीं, तुरंत बोलेंगे 4x 10x 6x = y × 3, यानी कि एक्स ऑन वाई में जो रेशियो है, एक्स एन वाई, नीचे लिखता हूं, एक्स एन वाई में जो रेशियो है क्या है, 1:2। हम लोग देख चुके हैं वाई जो है वो बड़ा है, एक्स छोटा है। क्वेश्चन कह रहा है कि इसके बीच जो डिफरेंस है, डिफरेंस वो तो 1 का है और वहां कह रहा है वो तो 3 का है, तो 1 means 3, तो 1 means what, 2 means what, what into 3, ये निकला 3 और ये निकला 6, तो संख्या क्या हुई, 36 आंसर। बोलिए समझे कि नहीं, ये फर्स्ट मेथड हुआ। अच्छा तरीका है और आप ऐसे बना सकते हैं, क्योंकि कुछ नहीं बस ये लिखना है, इसके बाद आपको दिखाई देता है, ठीक है, ये फर्स्ट मेथड हुआ। दूसरा मेथड ऑप्शन मेथड है, जो सेकंड मेथड है वो ऑप्शन मेथड है। वो कैसे, ऑप्शन उठाइए 7+4 11, 11 का 4 times तो 44, 47 तो नहीं आया, यानी 47 अगर हम लेंगे तो 7+4 × 4 करने से 4 गुना होना चाहिए, 44 होता है, विच इज नॉट इक्वल टू 47, तो ये नहीं होगा। 69, तो डिजिट के जो अंक सम है 6+9 × 4 करने से 60 आता है, ये तो इक्वल नहीं है 69 के। अगर हम लेते हैं 25, तो 2+5 × 4 तो 28 आता है, ये तो इक्वल नहीं है 25 के। लेकिन अगर हम 36 लेते हैं तो 3+6
ये 36 वही आता है जो कि ये है. सो दिस इज द आंसर. बोलिए, ये ऑप्शन मेथड हुआ और यहां पर ऑप्शन मेथड बढ़िया है, इसका इस्तेमाल आपको करना चाहिए. ठीक है, समझ गए. इसके बाद आइए सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन है, द रेशियो नंबर ऑफ बॉल्स इन टू बैट्स एक्स एंड वाई इज 2:3. ओके, फाइव बॉल्स आर टेकन आउट फ्रॉम बैग वाई एंड आर ड्रॉप्ड इन बैग एक्स. नंबर ऑफ बॉल्स आर इक्वल इन ईच बैग. नाउ नंबर ऑफ बॉल्स इन ईच बैग, इन ईच बैग नाउ इज. देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन, मान लिया कि एक्स और वाई ये है ना, ये टू बैग्स हैं, इसमें रेशियो जो है दिया है ये 2:3 है. तो मान लेते हैं कि ये 2x है और ये 3x है. नंबर ऑफ बॉल्स हैं तो बॉल्स होते हैं. फाइव बॉल्स आर टेकन आउट, बाहर निकाला बैग वाई से, इससे निकाला तो ये हुआ, और उनको यहां डाल दिया तो ये हुआ. नाउ दे आर इक्वल, ये कहता है तो पता है x इज इक्वल टू 10. एक्स 10 हुआ, कह रहा है कि अभी कितना है, ये या ये, तो कहीं भी रख दीजिए. ये कितना निकला, 10, 10 बोले ना, 10 इंटू 2 20 प्लस 5 25, या यहां निकाली तो कितना है 30 माइनस 5 25. सो डी इज द आंसर, 25 इज द आंसर. बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं. तो फर्स्ट में 36 था, सेकंड में 25. आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर. इफ द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू द टू फोर टाइम्स ऑफ द प्रोडक्ट देन द रेशियो ऑफ दीज नंबर्स इज. जब आप समझेंगे कि दो नंबर जो है, टू नंबर्स हैं, उनके जो उनके स्क्वायर ऑफ सम ऑफ टू नंबर्स, इनके सम का जो स्क्वायर है वो उनके प्रोडक्ट गुणनफल के चार गुने के बराबर है. तो आपको पता है कि एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल फोर एक्स वाई है. तो मालूम है कि जब आप इधर लाएंगे तो ये माइनस होगा, है ना, इसमें लिखा है ना, इसमें फोर टाइम्स उसके प्रोडक्ट के हैं. तो ये तुरंत लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू वाई, यानी 1:1 आंसर. कैसे, जब आप बनाते हैं तो आपको समझ में आ जाता है. आपको पता है एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस फोर एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो. आपको पता है कि ये होता है ये इज इक्वल टू जीरो. आपको पता है कि ये इज इक्वल टू दिस. सो एक्स इज टू वाई इज इक्वल टू 1:1, यानी सी इज द आंसर. ठीक है, आइए इसके बाद नेक्स्ट, फोर्थ नंबर. Three numbers are in the ratio of 2:3:4. If the sum of their squares is 1856, then numbers are. ये क्वेश्चन कहता है कि थ्री नंबर्स इस रेशियो में है. तो मान लेते हैं 2x है, 3x है, 4x है, उनके स्क्वायर का सम, इनका स्क्वायर, इसका जो सम है 1856 है. 180 लेकिन 29 है तो 6 लेस, 6 और 5 11 116 4 टाइम्स, तो x इक्वल टू स्क्वायर रूट यानी 8. एक्स का वैल्यू 8 आया तो नंबर क्या हो, 16, 24 and 32. दिस इज द आंसर बी. बोलिए ये समझ में आ रहा है. आइए इसके बाद
नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ नंबर है द नंबर टू बी एडेड टू ईच ऑफ द नंबर 7, 16, 43, 79 टू मेक द नंबर्स इन प्रपोर्शन इज, ये चारों प्रपोर्शन में हो जाएंगे अगर कोई एक नंबर सबों में ऐड किया जाए। इसका जो बेस्ट मेथड है वो ऑप्शन मेथड है, फिर भी दूसरे मेथड से भी बनाया जा सकता है, मैं बताता हूं। तो फर्स्ट मेथड मान लेते हैं कि ऐड करते हैं, तो 7 by 16, 43 by 79 ये इक्वल हो जाएंगे, इनमें क्या ऐड करें? इसमें देखिए इसमें क्या ऐड करें, के क्या ऐड करें? सॉल्व करने में कंपोनेंडो डिविडेंडो करना है, कंपोनेंडो डिविडेंडो है, बताता हूं। इसको a मानिए b, तो a प्लस बी बाई ए माइनस बी, तो यहां भी x बाई वाई है, तो x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो करने से ऊपर ऐड कीजिए तो क्या होगा पूरे को, 23 प्लस 2k, यहां भी ऐड कीजिएगा तो क्या होगा 122 प्लस 2k, और नीचे क्या कीजिए लेस कीजिए ऊपर वाले को नीचे, तो यहां भी वही करना पड़ेगा, इसको लेस कीजिए तो क्या आएगा 9, इसको लेस कीजिए तो क्या आएगा 36। सॉल्व कीजिए, 4 into 2, 8k, 2k, 6k is equal to 92 and 122, 30, यानी x इक्वल टू 5, यानी k इज इक्वल टू 5, k हमने माना था ना, k इज इक्वल टू 5, आंसर ये कौन सा है, सी। ये समझे कौन सा नंबर है, कंपोनेंडो डिविडेंडो बोलते हैं, कई बार यूज कर चुके हैं। कंपोनेंडो डिविडेंडो का मतलब क्या होता है, देखिए अगर a बाई बी लिखा है x बाई वाई, तो आप अगर यहां पर a प्लस बी करते हैं तो यहां भी x प्लस वाई कर सकते हैं, और a माइनस बी करते हैं तो यहां भी x माइनस वाई कर सकते हैं। दिस इज कंपोनेंडो डिविडेंडो, ये एक अच्छा रूल है, ठीक है। दूसरा तरीका हम लोग बात करते हैं ऑप्शन मेथड, बहुत आसान है। देखिए फर्स्ट क्या टू आंसर होगा, सेकंड मेथड ऑप्शन मेथड, टू ऐड करेंगे तो क्या होगा 7 plus 2 by 16 plus 2, तो ये क्या हो जाएगा 9 by 18, और उधर क्या होगा 43 plus 2 by 79 plus 2, लेकिन ऐसा करने से ये 45 by 81, ये दोनों तो इक्वल नहीं है, जस्ट डबल है तो है, तो ये इक्वल नहीं है, ये नहीं होगा। मान लीजिए 3 रखते हैं, डायरेक्ट रखें इसी तरह से 3 रखें तो 3 plus 7 10 हो जाएगा, और 3 plus 16 19 हो जाएगा, ये तो इक्वल नहीं है। 43 plus 3 46 और plus 3 82, ये तो इक्वल नहीं है, इसलिए ये भी गलत है, ये भी गलत है। अगर 1 रखते हैं, 1 ऐड कीजिए 8 by 1 ऐड कीजिए 17, 1 ऐड कीजिए 44, 1 ऐड कीजिए 80, ये भी इक्वल नहीं है। और 5 रखिए, 5 रखिए तो 5, 7, 5, 12 by 5 रखिए 16, 5, 21, और उधर 5 रखिए 5, 48 by 5 रखिए 84, 4 से काटिए, 4 से yes, this is right, therefore 5 is the answer, समझ गए? ये फिफ्थ नंबर क्वेश्चन था, ये ऑप्शन मेथड भी अच्छा तरीका है और आप इससे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद आइए नेक्स्ट सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ टू नंबर्स इज 62, इफ टू इज एडेड टू द स्मॉलेस्ट नंबर द रेशियो बिटवीन द नंबर्स बिकम्स 1:2, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स इज, देखिए दो नंबर हैं, संख्याएं हैं, उसका औसत दिया हुआ 62, क्वेश्चन कह रहा है कि 2 यदि उसमें से छोटे वाले नंबर में ऐड कर दें तो रेशियो जो है
वो 1:2 हो जाता है। तो बात ये है कि ऊपर से मानेंगे तो 2 इक्वेशंस बनेंगे, सॉल्व करने पड़ेंगे, वैसे मत बनाइए। जो बेस्ट मेथड है वो मैं बताता हूँ। नीचे से आइए, छोटे वाले नंबर से 2 निकाल लेते हैं तो रेशियो 1:2 होता है। मान लेते हैं ये x है और ये 2x है, इसमें से 2 निकाल दिए थे, इसको 2 दे दीजिए ना, शुरू में यही नंबर थे, शुरू में नहीं समझे, इसमें 2 ऐड किए थे तो इसमें 2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। हाँ, 2 ऐड किए तो ये आया था, 2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो शुरू में यही नंबर थे, पहला ये दूसरा ये, स्मॉलेस्ट यही है, दोनों का एवरेज 62 है, छोड़िए ना, सम 62 × 2 ना होगा क्या 124। Finished, 3x is equal to 2 उधर ले जाइए 126, x plus 2x, 3x is equal to 2 उधर ले जाइए 126, तो x का मतलब क्या होगा 42, लेकिन x होने से नहीं होगा, numbers क्या है, number ये है और ये है, numbers है 42 मतलब 40 और यहाँ पर 84, तो difference क्या हुआ 84 minus 40 is equal to 44 is the answer, C is the answer, यही difference है, ये यहाँ से आया, x का value यहाँ रखें, तो यहाँ आया। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। चैप्टर्स के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको चैप्टर वाइज मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, इससे आपको और सहूलियत होगी किसी भी एग्जाम के लिए, और ये सारे क्वेश्चंस बैंक, एसएससी, रेलवे सब के लिए समान रूप से फायदेमंद हैं। ऑल द बेस्ट।